अब आप आए हो यहाँ पे जेएनपीटी पोर्ट पे। आप यहाँ पे सामने देख सकते हो टर्मिनल है ऐसा। यहाँ पे 3 से 4 टर्मिनल है, जेएनपीटी है, बीएमसीटी है, एनएसएसआईसीटी है, अलग अलग सारे टर्मिनल है। टर्मिनल पे लगती है वेसल और वेसल में से कंटेनर लोड अनलोड होते हैं। यहाँ पे कोई कस्टम एग्जामिनेशन, कस्टम क्लियरेंस का काम नहीं होता। यहाँ पे वेसल आती है, कंटेनर को सिर्फ लोड अनलोड किया जाता है, बाकी आपका कस्टम क्लियरेंस एग्जामिनेशन का काम आपको करके आना होता है आपके सीएफएस और आईसीडी यार्ड से। तो इसकी प्रोसेस की शुरुआत होती है आपके वेयरहाउस से। वेयरहाउस पे आपका प्रोक्योरमेंट, पैकेजिंग सब A to Z कंप्लीट होता है। फिर वहाँ से आपका सामान या तो कंटेनर में लोड करके आओ या ट्रक में लोड करके आओ, आता है कौन सी जगह पे, सीएफएस यार्ड पे, जिसको बोला जाता है कंटेनर फ्रेट शिपिंग। आपका कंटेनर आता है, ऑफिसर्स उसको चेक करता है, कस्टम का एग्जामिनेशन करता है, कस्टम क्लियरेंस होता है, और सारी चीजें अगर आपकी परफेक्ट है, परफॉर्मा इनवॉइस के अनुरूप, पैकिंग लिस्ट के अनुरूप, तो फिर एक शिपिंग बिल फाइल होता है, फॉर्म 13 फाइल होता है, मतलब गेट पास फाइल होता है, VGM फाइल होता है, 2 सील लग जाते हैं, और पूरा कंप्लीट होने के बाद ही आपका कार्गो पोर्ट के अंदर आता है। यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन क्लियरेंस का काम नहीं होता। और यहाँ पे आपके कंटेनर का स्कैनिंग भी होता है। जेएनपीटी पोर्ट अथॉरिटीज़ के पास यहाँ पे अच्छे हिसाब से टेक्नोलॉजीज भी है ना। एक मर्सिडीज़ का वो लोगों के पास अच्छा ट्रक भी है जिसमें आपका कंटेनर निकलेगा, स्कैन भी हो जाता है यहाँ पे। तो आपको ऐसा लग रहा है मैं कोई भी चीज़ ऐसे अनऑथोराइज लोड कर दूंगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई भी वेसल यहाँ पे आती है और आपके कोटेशन में आप देखना एक CHNA चार्ज लगाया, THC मतलब टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, वो चार्ज कौन सा है, ये जो टर्मिनल पे आप हैंडलिंग जो सारा करते हो ना, वो चार्ज उसका होता है। तो देखो आप यहाँ पे पूरा ऑपरेशन देख सकते हो, पीछे जो सारी इन्वेंटरी पड़ी है ना कंटेनर की, हाँ वो सामने वो वेसल लगी है ना, उसमें वो शायद लोड हुआ होगा या तो उनमें से अनलोड हुआ कार्गो यहाँ पे पीछे पड़ा है। अब अगर इम्पोर्ट किया गया सामान होगा तो यहाँ पे कंटेनर को ट्रक में लोड होके पहले कहाँ पे लेके जाया जाएगा, CFS यार्ड पे, जहाँ पे सबसे पहले उसका एग्जामिनेशन होगा, कस्टम क्लियरेंस होगा, बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी, इम्पोर्ट ड्यूटी IGST जो आपको भरना है वो भरना पड़ेगा, और फिर अगर सारी चीजें अगर आपकी परफेक्ट है तो आपके कार्गो को लेके जाने दिया जाता है। ये होगी इम्पोर्ट की प्रोसीजर। अब बात आती है प्लानिंग मैनेजमेंट की। तो कभी भी कोई भी कंटेनर को कभी भी लाया नहीं जाता। फॉर एग्जांपल हमारे साथ यहाँ पे शैलेश भाई है, कस्टम हाउस एजेंट है, CH है खुद भी, राइट। तो ये फॉर एग्जांपल मैं एक्सपोर्टर हूँ तो मैं पहले पूछूंगा कि भाई साहब मुझे अगर दुबई के लिए कार्गो चाहिए, दुबई की वेसल के लिए, तो दुबई की वेसल कब आने वाली है। तो फॉर एग्जांपल शैलेश भाई ने बताया कि आज से सर 5 दिन के बाद एक वेसल है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक वेसल खड़ी थी, उसका नाम था सेंट डियागो वेसल आने वाली है, जेबेल अली पोर्ट के लिए जाएगी। फॉर एग्जांपल 12 तारीख को वेसल आने वाली है, मतलब उसका ETA है, ETA मतलब एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल, और 13 तारीख को उसका ETD है, मतलब एस्टिमेट टाइम ऑफ डिपार्चर, मतलब 12 तारीख को ये वेसल आएगी, 13 तारीख को ये निकल जाएगी। तो जो ETA का टाइम होता है ना 12 तारीख जब आएगी, उसके 1 दिन पहले या कोई भी वेसल के 2 दिन पहले, फिर डिपेंड कौन सी वेसल है, उसका गेट कट ऑफ का टाइम होता है। क्या होता है, फॉर एग्जांपल 12 तारीख को वेसल आने वाली है तो 11 तारीख को दोपहर 12 बजे का उसका गेट कट ऑफ हो जाएगा। मतलब वो वेसल में अगर आपको कार्गो चढ़ाना है, वेसल भले 12 तारीख की है पर कार्गो कौन सी तारीख को लेट और लेट पहुंचना चाहिए, 11 तारीख दोपहर 12 बजे से पहले, वो भी क्या क्लियर करके, कस्टम क्लियरेंस, बस्टम क्लियरेंस, पैकिंग बेकिंग सब कंप्लीट करके। तो फॉर एग्जाम्पल 11 तारीख की अपनी डेडलाइन है तो गेट कट ऑफ के टाइम के 24 घंटे पहले उसका गेट इन का भी टाइम रहता है। तो गेट इन गेट कट ऑफ के टाइम के बीच में वो कंटेनर को पोर्ट के अंदर लाया जाता है। तो फॉर एग्जांपल 11 तारीख को गेट कट ऑफ है, 10 तारीख को गेट इन है, तो 10 तारीख के पहले पहले हमें क्या कर लेना है, पैकेजिंग बैकेजिंग अपना वेयरहाउस पे सब कंप्लीट कर लेना, फिर जाके कंटेनर को बुलाना है, और परफेक्टली 9 तारीख को आप लोड करो, कंटेनर यहाँ पे पहुंचे, 10 तारीख को कस्टम क्लियरेंस एग्जामिनेशन हो, और साथ में 10 तारीख को उसका गेट इन हो जाएगा। तो 11 तारीख को डेडलाइन से पहले पहले तो गेट इन आपने कर दिया, 10 तारीख को कंटेनर, तो फिर आपका कंटेनर यहाँ पे इन्वेंटरी में पड़ा रहेगा। अगर रिफर कंटेनर है, आपका रेफ्रिजरेटर कंटेनर है, तो जो आपका ट्रक होता है ना उसके नीचे जनरेटर होता है, उसको प्लग इन कर दिया जाता है, तो वेयरहाउस पे माल लोड होने के बाद वो जनरेटर चालू रहता है, रेफ्रिजरेटर कंटेनर चालू रहता है। पोर्ट पे यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ पे प्लग इन कर दिया जाता है ताकि आपका सामान खराब ना हो, वरना तो अभी यहाँ पे तो इतनी धूप है कंटेनर गर्म हो जाएगा, माल सड़ जाएगा। अगर ये कंटेनर वेसल में लोड भी हो जाएगा ना तो वेसल में लोड कर देंगे। मतलब जब तक रिफर कंटेनर आप भर के अपने पास से छोड़ते हो ना और कस्टमर तक पहुँचने तक वो कंटेनर चालू ही रहता है, कभी बंद होता ही नहीं।
अगर बाद में बिगड़ गया तो बात अलग है, और बिगड़ गया और माल खराब हो गया तो आप क्या ले सकते हो, मरीन इंश्योरेंस भी ले सकते हो अपने प्रोडक्ट का, है ना। तो आपका डैमेजेस उसमें बच सकता है। और कंटेनर के अंदर हो सके ना, तो एक ट्रैकर होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर को उसका डेटा आता है, उसको डेटा ट्रैकर बोलते हैं टेम्परेचर का। 700-800 रुपए की प्रोडक्ट है कंटेनर के अंदर, ज़्यादातर हम लोग लगाते हैं ताकि हमें कभी भी ये क्लेम करना हो ना तो हम प्रूव कर सके कि भाई हमारी कोई गलती नहीं थी, ये कंटेनर ख़राब था, बंद हो गया इसलिए मेरा माल सड़ गया, ये देखो ट्रैकर का डेटा है ना। तो काफ़ी सारे गैजेट्स है जिसका भी आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हो। तो आज जहाँ पे आप आए हो, ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNPT, जिसको नावासेवा नाम से भी जाना जाता है, जो है मुंबई में। ये आपके प्रोग्राम का प्रैक्टिकल आखिरी पॉइंट है। मैंने आपको ये प्रोग्राम में, जो आप आए थे शुरुआत में पहले दिन, तो कंपनी कैसे खोले वहाँ से लेके आखिरी में कंटेनर वेसल में चढ़े और उसकी क्या प्रोसीजर होती है, बीच में बायर फाइंडिंग, कस्टम क्लियरेंस, प्लानिंग प्रोसीजर, पेमेंट टर्म्स, इनको टर्म्स, A to Z, मतलब इतनी भी चीज़ मैंने बाकी नहीं रखी है। मतलब आज से लेके आने वाले 3 साल तक 4 साल तक अगर आप में से कोई भी धंधा करेगा ना, तो मैंने जो आपको समझाया अगर वो फॉलो करके व्यापार करोगे ना, तो व्यापार आपका करना और आसान हो जाएगा और कहीं पर आप फंसोगे नहीं। तो नॉलेज लेके व्यापार करने का फ़ायदा ये होता है।